एक बात नोटा की है कि खड़े हुए पांच लोग और एक भी मेरा पसंद नहीं है, तो इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है ऐसा कहना। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है, 100% बेस्ट, ये बहुत कठिन बात है, आकाश पुष्प जैसी बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये महाभारत के समय से है। कौरव पांडवों का युद्ध आसन्न हो गया तो यादवों की सभा में विचार चला कि किसका समर्थन करना। कुछ लोग कौरवों के पक्ष में थे, कुछ लोग पांडवों के पक्ष में थे, और कौरवों के अधर्म की चर्चा चल रही थी तो लोग कह रहे हैं कि पांडव कौन से दूल्हे चावल के हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को कोई दाव पर लगाता है क्या, इन्होंने बहुत गलतियां की है, इनको कैसे धार्मिक कहे। बलराम जी ने कहा कि आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हो लेकिन आप सबको मालूम है कि कृष्ण कहेगा वही हम करेंगे और वो तो चुप है, उसको पूछो। तो फिर कृष्ण को पूछा गया, उसके बाद कृष्ण ने एक भाषण दिया राज्यसभा में, उसमें यहां से शुरू किया उन्होंने कि राजनीति ऐसी चीज है कि यहाँ तो आपको 100% अच्छे लोग मिलना ये बड़ी कठिन बात है, मिल जाए दीनदयाल जी जैसा कोई, वो उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, तो अच्छी बात। लेकिन इसलिए लोगों के सामने एक ही चारा रहता है कि अवेलेबल बेस्ट को चुनो। फिर उन्होंने पांडवों के पक्ष में अपना मत दिया। अब जब नोटा हम करते हैं तो हम अवेलेबल बेस्ट को भी किनारे कर देते हैं और इसका लाभ जो अवेलेबल वर्स्ट है उनको ही मिलता है। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए।